जी दोस्तों, कैसे हो यार सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए, आबाद हो गए। यार एक बहुत जरूरी बात यार मैंने आप लोगों से स्टार्ट में ही करनी है और आप लोगों ने भूलनी नहीं है। ओके। देखो यार, हम कहीं कोई चीज खाते हैं ना, किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज खाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना, हम उसको फिर पे करते हैं क्योंकि हमें उसका मजा आता है, एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, तो हम उसको पे करते हैं। अगर यार आपको मेरे व्लॉग्स जरा भी इंटरटेन कर रहे हैं तो मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे ये मांगता हूँ कि यार आप कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो, यार अपना रिस्पांस जरूर दिया करो। वो हमारे पैसे होते हैं और उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि वो एल्गोरिथम जो होता है ना यूट्यूब, जब वो आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मेरा वीडियो वो आगे और लोगों को दिखाएगा। उससे क्या होगा, उससे हम और मोटिवेट होंगे, तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि यार मोटिवेशन मिलेगी तो मैं डेली व्लॉगिंग में आ जाऊंगा। ठीक है, यही आपके पैसे हैं हमारे लिए, यही सपोर्ट है, बस यार इतनी सपोर्ट मांग रहा हूँ। लाइक और कमेंट जरूर करो ताकि हम मोटिवेट हों और आगे इसको मैं काम कंटिन्यू रखूं। तो आज हम टारगेट रखेंगे 300 लाइक्स का। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अगर 300 लाइक्स और कमेंट आ गए, कोई 50 कमेंट भी आ गए ना, तो मैं अगले दिन ही कल ही व्लॉग नया बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कल ही व्लॉग नया बनाऊंगा, लेकिन 50 कमेंट और 300 लाइक ये आप मुझे दो तो कल ही व्लॉग आएगा। आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं यार अफनान के कॉलेज और उसका हम सारा जाकर उधर उसका दाखला करवाना है। भाभी के साथ आपके जाऊंगा, एडमिशन करवाना है। दुआ करो उसका एडमिशन हो जाए। चलते हैं, निकलते हैं रास्ते पे और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि तुम लोगों को आने वाले वीडियोस खुद ही पता चल जाए, एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सीधे चलते हैं रूट पे। लो यार इधर आए हम, तो इधर भी मेरिट लिस्टें लगी हैं और ये स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट है प्री मेडिकल वालों की ना। ये आप देखो कहाँ से शुरू हो रही है, 70%, 60%। ये प्री इंजीनियरिंग के बॉयज हैं। अभी अफनान की देखते हैं, उसका ICS में है। अफनान का नाम आया कि नहीं आया? ICS बॉयज। ये अफनान फारिस। ये आ गया अफनान फारिस का नाम। उंगली रखो जरा। ये दो जगह हमने करवाया था, एक दोनों में आ गया। दोस्तों दी इधर हम आए हैं पंजाब कॉलेज और ये उसका चलान फॉर्म है जो स्नान करना अभी हमने जमा करवाया। ये दोनों हमने लिए हुए थे, फिजिक्स और स्टैट के। कॉलेज को प्यारा लग रहा है यार, दुआ करना उसके मुस्तकबिल के लिए यार, अच्छा वो पढ़ाई करे या उस जगह। अभी चला, अभी चलान फॉर्म हमने यार जमा करवाया और वो हमें मिल गया अभी इस वक्त, तो देखो जैसे ही वो निकलते हैं फिर इसको जमा कराएंगे। 85% अटेंडेंस यहाँ पर लगानी है वरना स्कॉलरशिप आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट उन्होंने बताया। कहाँ जाने है यार, मुझे खुद नहीं पता, मैं आपकी वीडियो बनाने आया हूँ, अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? ये पैसे डालते हैं यहाँ पे, ये भी हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाहर आ गए हैं मुझे लग रहा है। नोट से ही ज़्यादा यार, 55 नंबर आइटम लिए है, पैसे पूरे होने चाहिए मेरे ख्याल से। चल चल चल, डू नॉट फोल्ड, इंसर्ट अ करेंसी नोट वन बाय वन, यूज व्रिंकल फ्री एंड डस्ट फ्री नोट्स। मेरे ख्याल से वो आ गया। वीडियो गेम ही लग रही है वैसे एक। सो गाइस अभी हमने जमा करवा दिया, कॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये सारा कॉलेज है भाई। तो चलान फॉर्म हमने ले लिया है और अभी हम फीस जमा करवाएंगे। हाँ, और ये उनकी मेरिट लिस्ट है, ये देखो मेरिट, इस पे मेरिट लगता है और इसके ऊपर सारे नंबर्स हैं।
ये कॉलेज का गेट है, इससे बाहर जा रहे हैं। कॉलेज का यूनिफॉर्म पता कह रहे हैं कर लें, वो अभी सामने दुकान है तो वो देख लेते हैं। अच्छा ये बुक शॉप है यहाँ की। ये तलबा के फोटोज लगे हैं लेकिन ये फोटोज का लगता है रंग उतर गया है और उसके बाद से ये फोटो लग नहीं रहे। तंबू लगाया हुआ धूप से बचने के लिए। लो यार 2000 का यूनिफॉर्म टोटल, पैंट शर्ट टाई। एक ये रोड जा रही है बाहर को, ये इनकी पार्किंग है, ये इनका पार्किंग एरिया है पंजाब कॉलेज का। ये देखो ये इसने टॉप किया लड़की ने मैट्रिक बोर्ड में, और ये लड़की जो है ना ये फनान के स्कूल की है। कौन है ये लोग? ठीक है जिसमें फनान पढ़ता है ना स्कूल की है, यूनिक स्कूल की है, तो माशाल्लाह उसने भी यहाँ पे दाखला लिया है। 1095 नंबर आए हैं 1100 में से। मुझे चक्कर आने लग गया। सबा साकिब माशाल्लाह, अल्लाह इसकी जिंदगी करे और इसको और जिंदगी में बेहतर करने की सलाहियत दे। सीन दिखाता हूँ आपको, सीन बड़ा मजा है। तो भाई ये है ग्लास, तो यार अभी घर आए हैं और ना वो दाल पकी है आज, और दालों में ना वो एक मिर्च बनती है मसाले वाली ना, बड़ी मजे की। अच्छा तो मैं मिर्च लेने जा रहा हूँ, छोटी छोटी मिर्चें थी, मैं कह ये वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी मिर्च ना, तो वो बड़ी मिर्च मिलती है जो जरा कम तेज होती है, तो वो जाकर लेते हैं। चलो देखो यार, एक मिर्च होती है जो आप बाजार से खरीदते हो और एक मिर्च होती है जो आप किसी को लगाते हो। कम लगाया यार, मिर्चे हैं मिर्चे नहीं। हाँ क्या हाल है, मिर्च है सब्ज़ मिर्च कौन सी है दिखा रहा। अच्छा मोटी भरी यार, ये हमारे भाई बड़े जबरदस्त सब्जी इनकी होती है, मिल ही गए हैं इधर यार। वो ना वो भरने वाली मिर्च कौन सी है वो दिखाई दे रहा। अच्छा इसमें एक बारीक भी होती है लंबी जो थोड़ी तेज भी होती है, वो भी है। अच्छा वो आ नहीं रही, ये दे दे। कितने रुपए की यार? 160 रुपए पाओ है वो। खैर हो 50 की दे दे यार, मिर्च तो बड़ी महंगी है यार, बड़ी महंगी है भाई मिर्च। अभी मैं कौन, लोग बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, वो मिर्चें कम लगा रहे हैं आजकल क्योंकि मिर्च महंगी हुई है। और 20 की ना थोड़ी वो तेज वाली भी डाल दे। दोनों डलवा लेना यार बाद में, फिर ये ना कम तेज होती है ना थोड़ी, मैं दोनों डलवा लें। बहुत शुक्रिया वीरे। लो यार मिर्च आ गई मेरे पास, 70 रुपए की मिली है। लो यार 70 रुपए की मिली है मैं मिर्च थोड़ी सी। तभी मैं कौन, लोग आजकल जला नहीं रहे, मिर्च बड़ी महंगी होती है वरना तो लोग छोड़ते नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन आज भी वो पैसे वाले लगाते होंगे मिर्चे है ना, आम पता तो बस खाने जो कहीं रह गया मिर्चे। मिर्च भी लग रहा है, शर्फियां लग रही हैं, शर्फियां पुराने जमाने में नहीं ऐसे शर्फियां, कोई गुलाम बादशाह को खुश करता था तो 2-3 अशरफियां मिलती थी। तो भाई आपका जी अशरफियां कर देगा, सब अशरफियां। 70 रुपीज की मिर्च में लाया, भाभी आपकी कहती है, हालांकि पैसे नहीं दिए भाभी ने आपकी, पैसे मैंने दिए, लेकिन भाई का फिर हौसले को आप दाद दो। That's very nice. 70 रुपए की मिर्च, बंदा अब ये भी नहीं किसी को कह सकता हो तुझे बड़ी मिर्चें लग रही है। लो यार ये मिर्चें, इसके अंदर हम इमली डालेंगे। मैं भी बड़ा परेशान हूँ, मुझे सब्जी वाले ना पीछे घूरियां कराते रहे हैं। क्या? मैं उनसे पता क्या होता था, सब्जी थोड़ी सी लेता था तो मैं कहता था ये धनिया मिर्चें डाल दो, तो वो घूरते थे। मैं 3-4 को नोटिस किया, आज मुझे पता चला कि वो क्यों मुझे घूरियां कराते थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सो दोस्तों ये हमारी दाल पकी है, इसको भी लगेगा तड़का तड़का, दाल अच्छी लग रहा है आज बन गई है। मिर्च के अंदर जो डलती है वो मसाला टाइप, वो क्या चीज है, पीसी धनिया। लो भाई ये मिर्चें जो है ना वो आपकी आंखें तेज करती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आंखें तो तेज होंगी लेकिन जो अब रेट चल रहा है ना मिर्च का, दिल कमजोर भी हो जाएगा लोगों का। लो गाइस मिर्चें हो गई हैं रेडी, और तैयार हो जाओ मिर्चें हम खाएंगे, और बाकी किसी को लगती है लगेगी तो नहीं क्योंकि महंगी है भाई, हमने सारी खानी है, लगानी भी नहीं किसी को, मजा आएगा आपको भी और मुझे भी, आपको देखने का और मुझे खाने का।
सो गाइस ये हमारी दाल और ये जीरे के साथ तड़का है और इसके साथ है हमारी वही स्पेशल मिर्च और इसके साथ है हमारी गरम 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 रोटी। अभी हम बैठ लेंगे। हाँ 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 मजेदार मजा आया। वहाँ पर एक बचिंदा आया है। हाय कुलचे 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 हो रहा है। कैसा क्या पकाया आज? आज पाए। शुक्र आलू नहीं कह दिया तूने। पाए पके हैं आज बटवाए तुमने पकाए पाए। ही लाइक्स पाए। यू डोंट लाइक पाए। यू ओनली लाइक शोरबा विद चने। ओ शोरबा विद चने। So guys, he like shorba with chane. He don't like pie. Me either. Don't like pie too much. हर चीज खाता हूँ मैं। इस वक्त आप कह लें कि उसने कहा कि मुझे स्वीट में ना कुल्फी खिला दें। सब बस बेटा। अभी जरा इसके पेपर हो रहे हैं दबा करना यार पास हो जाएगी। तो गाइस ये है वो जगह रॉयल कुल्फी। प्रिया जाओ बेटा यहाँ से हम लेंगे चार कुल्फी। ये हमारे एरिया की सबसे बेस्ट कुल्फी है आप समझ। तो गाइस ये है कुल्फी। इसमें बादाम होते हैं जैसे ये नजर आ रहा है आपको। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? वेरी डिट मेंशन है वो आया खुशबू सूंघ के। बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। भाभी अपनी कहती है कपड़े डाल दो। मैं कहा तुम्हारी इतनी जरूरत तुम मुझे कहो कपड़े डाल दो मैं डाल देता हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है यार इसमें कोई बंदा डाल ही देता है कपड़े यार कोई ऐसी बात नहीं होती यार इसमें देखो ना यार ये सच्चाई है भाई ना सबसे एंड पे कुल्फी खोलता अपनी कहता है कि बाद में ना सबको दिखा दे करके खाने का अपना ही मजा बिहेव योरसेल्फ। लो भाई ये बादाम देखो निकला ये ऐसे होता है इसके अंदर बादाम ठीक है भाई। हाँ ये जो है ये भाई की भतीसी है। बड़े बड़े दांत है मगरमच्छ टाइप खाते वक्त। Everybody knows it. हाँ जाना नहीं है रुको। 300 लाइक्स का टारगेट ठीक है 200 भी हुए तो चलेगा ठीक है लेकिन 300 करना और कमेंट लाजमी करके बताना कैसा लगा। ये आप लोगों की सपोर्ट है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। इससे मेरा चैनल ग्रो होगा और लोगों को जाएगा आगे अच्छा कंटेंट और लोग देखेंगे ठीक है और मैं डेली व्लॉगिंग में आऊंगा उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ये करके जाना है भूलना नहीं है ठीक है। यही आप लोगों की सपोर्ट है मेरे लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। आज के लिए इतने में बहुत ख्याल रखो।